अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रेड क्रम्स बनाना सिखा रही हूँ दो तरीके से। एक तरीके में हम ड्राई की हुई बासी डबल रोटी से ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो मैंने छन्नी के अंदर इस डबल रोटी को निकाल के रखा हुआ था, 18 घंटे हो गए इसको आपको दिखाने के लिए बोल में करा, लेकिन ये पहले छन्नी के अंदर थी और इसी तरीके से छन्नी से मैंने इसको ढाँक रखा था, तो ये हवा के अंदर ही मैंने खुश्क कर लिया। और आप देखिए कितनी ज़्यादा ये कड़क हो गई है। तो ऐसी कड़क आपने कर लेनी है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो बहुत तेज़ धूप आ रही है तो उसके अंदर 2 घंटे रख लें। इसको फ्राइंग पैन के ऊपर धीमी आंच के ऊपर कर लें, अवन को प्रीहीट करके 120 डिग्रीज पे 15-20 मिनट इसको उसमें रख दें, उससे भी हो जाएगी। टोस्टर में कर लें, जिस तरीके से भी आप इसे कड़क करना चाहें कर सकते हैं। तो आप इसे ड्राई कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स बनेंगे। एक तरीका तो ये है कि जिसमें हम पहले डबल रोटी को ड्राई कर लेंगे। दूसरे तरीके में ये बिल्कुल फ्रेश डबल रोटी है सुबह की, तो इसको मैं पहले चूरा करके चॉपर के अंदर और फिर उसके बाद फ्राइंग पैन के ऊपर हल्की आँच के ऊपर इसे ड्राई करूंगी। तो इसके अंदर आपको खड़े होकर काम करना पड़ेगा, लेकिन आप फौरन ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो एक दिन पहले डबल रोटी को रख के आप ड्राई कर लें, तो अगले दिन आप आराम से बगैर किसी मेहनत के ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डबल रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। अब हम इसे चॉपर के अंदर डालेंगे और अच्छे से बारीक कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको बारीक कर लिया है बिल्कुल। और ये जो ड्राई हुई हुई डबल रोटी के ब्रेड क्रम्स हैं ये मोस्टली बारीक ही बनते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मोस्टली बारीक ही बनेंगे, क्योंकि डबल रोटी जो ड्राई हुई हुई होती है जब आप उसको चॉपर में चलाएंगे वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बारीक हो जाएगी। ये आप ये देखिए ये अच्छे खासे बारीक बने और एकदम फ्रेश हैं। इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए कि ये डबल रोटी अंदर तक जो है वो खुश्क हो चुकी है। तो अब हम दूसरे तरीके से ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। अब हम फ्रेश डबल रोटी को टुकड़े कर लेंगे। ये भी हमने टुकड़े कर लिए, अब हम इसको मशीन में चला लेंगे। अब देखिए मैंने ये वाले जो ब्रेड क्रम्स हैं ये किस तरीके के रखे हैं, ये देखिए ज़्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ा सा इनको कोर्स क्वालिटी में रखा है, जैसे कि अक्सर हम बाज़ार से पैनको ब्रेड क्रम्स खरीद के लेकर आते। तो मैं इनको तवे के ऊपर हल्का सा रोस्ट करती हूँ, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर करना है, इनका कलर ज़्यादा चेंज ना हो। तो मैं इसको करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दोनों का फ़र्क दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने इनको अब एक फ्राइंग पैन के अंदर डाल दिया और मैं इनको हल्का हल्का सा ड्राई कर रही हूँ। और ये फ्राइंग पैन मैंने इतना हल्का रखा हुआ है कि मैं हाथ से ही इसको मिक्स कर रही हूँ और कोई मुझे मसला नहीं हो रहा। इसमें आपको बड़े चंक्स भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप जो है इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से छान के मोटी छन्नी से, और जो ज़्यादा बड़े टुकड़े हों उनको आराम से चॉपर में चला के बना सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे तरीके से पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए तकरीबन मुझे 10-12 मिनट हो गए इसको करते हुए, और मैंने क्या किया है कि जब मैंने देखा कि फ्राइंग पैन ज़्यादा गर्म होने लगा तो मैंने 1 मिनट के लिए इसको फ्राइंग पैन से उतार लिया और चम्मच लगातार चलाती गई। तो इस तरीके से इनका कलर जो है ऐसा चेंज नहीं हुआ है, तो ये ड्राई हो रही है आराम से। अब इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर से जो ये मोटा मोटा है ये मैं मोटी छन्नी से छान के एक दफ़ा दोबारा चॉपर में चला के इसी के अंदर मिला लेती हूँ, ताकि ये बिल्कुल इवनली एक जैसे ड्राई हों। तो देखिए सिर्फ ये इतना सा मोटा निकला है इसके अंदर से, जो अभी नरम है, बाकी सारा
मैं कर चुकी हूँ और देखिए मैंने इस तरह की मोटी छन्नी से इसको छाना है सबको। तो बस इसको एक दो मिनट के लिए हम हल्का हल्का सा अलग से कर लेते हैं और इसको भी मैं चॉपर के अंदर चला लूँगी तो ये भी बिल्कुल इवनली उसी के जैसा हो जाएगा। तो बस हल्का सा इसको ड्राई करते हैं और फिर उसके बाद मैं इसको भी चॉपर में चला लेती हूँ, फिर आपको फाइनल दिखाती हूँ। तो हमारे होममेड ब्रेड क्रम्स जो हैं वो दोनों तरीके के तैयार हैं। ये सूखी हुई डबल रोटी से हमने बनाए, बासी डबल रोटी से, और ये फ्रेश डबल रोटी से बनाए। मैं आपको इसे क्लोज करके इसका लुक दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल बारीक बना है, बिल्कुल एक जैसा बारीक जो है वो पिसा हुआ है, क्योंकि इसमें डबल रोटी जो थी वो ड्राई थी तो ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, ये एक दफ़ा में पिस गया। और ये देखिए ये जो है ये थोड़ा सा मोटा है, पैनको ब्रेड क्रम्स से तो थोड़ा सा कम ही है लेकिन ये अच्छा खासा मोटा है। आप ज़्यादा जिसके ऊपर टेक्सचर चाहते हो उस चीज़ के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों आपके सामने हैं, दोनों ब्रेड क्रम्स जो हैं वो कितने अच्छे बने हुए हैं। तो इन दोनों की शेल्फ लाइफ जो है वो माशाल्लाह तकरीबन एक महीने तक है, आराम से आप इन्हें रख सकते हैं। किचन में अगर ज़्यादा गर्मी है तो इन्हें फ्रिज में रख दें। ये इस तरीके के प्लास्टिक के एयर टाइट बैग्स आते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट है, हर जगह मिलते हैं पाकिस्तान में। तो इनमें इसको भर के और रखें और फिर उसके बाद इन्हें फ्रिज के अंदर रख दें तो फिर तो ये काफ़ी महीने चल जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान और ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इन्हें ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक्स दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे देख लीजिए, वहाँ काफ़ी अमेजिंग रेसिपीज़ होती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।